सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरजीत की रसोई। तो देखिए, कई बार हो जाता है ना कि रात की दाल या रोटी वगैरह बच गई, तो मेरे पास भी बच गई हैं। देखिए, 3 रोटियां हैं और थोड़ी दाल भी बची है, तो मैं क्या करती हूँ, इनको वेस्ट नहीं करती हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर इनसे बना लेती हूँ। तो आज मैं इनसे ना 2 तरीके के स्नैक्स बनाऊँगी, बहुत ही टेस्टी होंगे। जो तो देखिए, एक रोटी और दाल मैंने अलग रख दी है, और 2 रोटियां जो है ना, इसको फोल्ड करके मैं कट कर रही हूँ। सीजर से कर लें या नाइफ से, किसी से भी इस तरह से कट करते जाएं। तो ये लंबे लंबे से कट्स हो गए हैं नूडल की तरह, तो इसको ना तोड़ लेंगे। जो ज़्यादा लंबे हैं ना, 20 से 2-2 3-3 टुकड़े कर लेते हैं, बाउल में डाल लेते हैं। इसमें डाल लेंगे मसाले जैसे नमक, लाल मिर्च और अमचूर पाउडर। थोड़ा सा पानी डाल लेना हाथ से, 2-3 चम्मच के करीब, जिससे मसाले इसमें चिपक जाएंगे ना। और इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है 2 चम्मच भर के। तो इस तरह का ये देखे हो गया है, तो इसे हटा देते हैं अभी साइड में और ले लेते हैं आलू। तो ये मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। इसको ग्रेटर की मोटी वाली साइड से ग्रेट करना, आप मैश करके नहीं लेना, ग्रेट करके ही लेना इसको। आलू में मिला लेते हैं प्याज, बारीक काट कर ले लिया है। एक बड़ा प्याज ले लेना या 2 छोटे हो जाए, और साथ में हरी मिर्च, हरा धनिया, रेड चिल्ली पाउडर, पिसा धनिया, अमचूर पाउडर, नमक, ये मिला लेंगे। तो ये जो हमारा आलू का मिक्सचर सा बन रहा है ना, ये दोनों स्नैक्स में काम आ जाएगा। दाल का यूज़ भी कर लेते हैं, मिक्सी के जार में इसको डाल लेना है, साथ में बेसन डालना है। तो जितनी दाल है ना, उससे आधी क्वांटिटी में बेसन डाल लिया है, और गेहूं का आटा भी डालेंगे 2 चम्मच भर के ली है मैंने। इससे स्नैक्स जो है सॉफ्ट बनेगा। पानी भी डालना है, 1/2 कप के करीब पानी डाल लेना और बस पीस लेना। तो ये देखिए, मैंने इसको पीसा है, बिल्कुल ऐसा हो गया है, बिल्कुल फाइन सा, ना ये ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा थिक है, ऐसा ही बना लेना है। अब जो एक रोटी रखी हुई है ना, इसको लेकर इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ टोमेटो सॉस। आप कोई और सॉस या चटनी भी लगा सकते हो, जो आपको पसंद हो वो लगा लेना। और जो आलू का बैटर बनाया है ना, इसके ऊपर लगाना, बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है। तो ये देखिए, पतली सी लेयर मैंने लगाई है, ऐसी लगा लेना। अब तवे के ऊपर थोड़ा ऑयल डालना है, और तवा गर्म हो जाए तो रख देना है रोटी को। तो जो आलू वाला पार्ट है ना, वो ऊपर रहेगा, गैस बिल्कुल लो कर देना। जो दाल पीस के रखी है ना, इसमें डाल लेंगे नमक, रेड चिली, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा 1 चुटकी के करीब। इससे बहुत ही फ्लफी बनेगा स्नैक्स। इसको मिक्स करके ना एक स्पैचुला में ले लेना, और इसके ऊपर डालना, सेंटर में डालना और ऐसे फैला लेना, जैसे हम डोसा फैलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, बहुत मोटा मोटा नहीं डालना है। और अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी सब्जियां भी डाल रही हूँ, क्योंकि अगर हम इसे बच्चों को देंगे ना, तो ये हेल्दी हो जाएगा, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। देखिए, मैंने गाजर, शिमला मिर्च और चुकंदर, इनको ना बारीक बारीक सा ग्रेट करके लिया हुआ है। अगर हो सब्जियां तो डाल लेना, क्योंकि आजकल ना सब्जियां बहुत कॉस्टली हो रही हैं, तो कई बार घर पे नहीं होती। तो आप इसको ऐसे भी बिना सब्जियों के भी बना सकते हो। कवर कर दिया है 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट में देखें, ये हो गया, मैंने इसको पलटा, बड़े आराम से पलट गया। रोटी देखें कितनी क्रिस्पी हो गई है। तो नीचे से 1/2 मिनट बेसन को भी पकने देते हैं। तो ये देखें, अब मैंने इसको पलट लिया है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह पक गया है। तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हो, पर इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ लगाएंगे ना, तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो मैं ना चीज़ स्लाइस है मेरे पास, वो थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ तोड़कर। तो इसको 1/2 मिनट कवर कर देते हैं, चीज़ भी मेल्ट हो जाए। अब लास्ट में इसके ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स, और इसको निकाल करना, मैं इसके ऊपर थोड़ी टोमेटो सॉस भी डाल रही हूँ। कट कर रहे हैं तो देखिए, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही क्रिस्पी सा पिज़्ज़ा हम कट कर रहे हो।
तो इसको खाने में तो ऐसा टेस्ट आ रहा है जैसे हम पिज़्ज़ा ही खा रहे हों, बिल्कुल मतलब हेल्दी सा देसी पिज़्ज़ा बन गया है, वो भी बची हुई रोटी से। रोटी इतनी क्रिस्पी लग रही है और इसकी स्टफिंग जो ऊपर हमने लगाई है बहुत ही टेस्टी है, तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई देना। अब बनाते हैं दूसरा स्नैक्स। तो मैं आपको ना एक एडवाइस दे रही हूँ, देखें जैसे ये हमारी दाल वाला बैटर बच गया है ना, इसमें आप चाहो तो ये जो रोटी के पीसीज है ना इसको डिप करके तल सकते हो, पकोड़े की तरह बना सकते हो, या फिर इसमें आप ब्रेड डालकर ना ब्रेड पकोड़ा बना सकते हो। तो मैं तो इसको बाद में ज़रूर बनाऊँगी, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। तो अभी मैं आपको ना दूसरा स्नैक्स बनाना बता रही हूँ। ये जो आलू की स्टफिंग है ना, इसको मैंने ये देखें इस तरह की शेप दी है, और साथ में मैंने लिया है चीज़ स्लाइस। तो चीज़ स्लाइस के छोटा छोटा पीस करके ना इसके अंदर मैं रख रही हूँ, देखें इस तरह से कर लिया है। शेप आप कोई भी दे सकते हो, ऐसे कर करके मैं बना के रखती जा रही हूँ। अब लेंगे एक बाउल में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है देखें 4 चम्मच के करीब, थोड़ा सा पानी डालकर इसको घोल लेना। अब क्या करना है, एक एक इसको स्नैक्स को उठाना है, कॉर्नफ्लावर में डिप करना है और इसको रोटी में डालना है, मतलब ये रोटी के जो पीसीज है ना इसको इस पर चिपकाना है। कॉर्नफ्लावर भी लगा हुआ है तो ये आराम से चिपक रहे हैं, देखें ना चिपके तो हल्का हल्का कॉर्नफ्लावर का घोल और लगा लेना, तो ये देखें ऐसे होते जा रहे हैं, बड़े आराम से चिपक रहे हैं। तो सारे पीस लगा कर ना इसको अब करना है हमने शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है और इसमें स्नैक्स को डालेंगे, जितने आ जाए उतने कर लेना, एक बार में सारे नहीं होंगे, उलट पुलट करना इसको फ्राई करना है। तो ये देखें ये स्नैक्स मैंने बना लिया है, सॉस के साथ सर्व किया है, बहुत ही अच्छा बनता है, बाहर से बहुत क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है, चीज़ भी मेल्ट हो गई है, तो खाने में तो ये बहुत ही यम्मी लग रहा है, क्योंकि बाहर से रोटियां जो है ना बहुत क्रिस्पी हो गई हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। तो इसको बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, टेक केयर, खुश रहना, अपना ख्याल रखना,